तो यहाँ डिजाइन पे आ गए हमने सबसे पहले। अब देखिए हमारे पास डिजाइन के टैब में जब हम आ जाते हैं तो हमें अगर ये हमारा जो स्लाइड का साइज है इसको अगर थोड़ा चेंज करना है तो कैसे करेंगे? कस्टमाइज साइज में जाएंगे और यहाँ से स्लाइड साइज पे क्लिक करेंगे, कस्टम स्लाइड साइज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से क्लिक करके 4 IN इंच और 7 IN इंच रख के ओके करेंगे, इंश्योर फिट करेंगे और इंश्योर फिट करके यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। होम में जाके इसको लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेआउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक ब्लैंक लेआउट हमें मिल जाएगा, वो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये एक परफेक्ट फेसबुक की रील्स के एतबार से, व्हाट्सएप के स्टेटस के एतबार से ये पोर्ट्रेट जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है, जो फिक्स बैठेगा किसी भी स्क्रीन के ऊपर। अब इसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए आपके पास वही सबसे पहले के एक कंटेंट होना चाहिए, उसके ऊपर टेक्स्ट होना चाहिए, क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। मतलब आप इसके लिए इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोस्ट फेसबुक की बना सकते हैं, फेसबुक की रील्स बना सकते हैं, लेकिन वही एक बात कि हमें पहले इसके बारे में आगाही होना चाहिए कि किस क्या चीज़ हम इस पर बनाने जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम एक मोबाइल ऐड बना रहे हैं किसी अपने कॉलेज का ही बना लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने इसका जो तरीकेकार है कि कंटेंट क्या लिखेंगे हम, उसके ऊपर इदारे का नाम लिखेंगे, एडमिशन ओपन लिखेंगे 2024, फिर कोर्सेज के नाम लिखेंगे, ये सारी डिटेल हम इस पर डालेंगे। तो हम पहले ये सारी डिटेल लिख लेते हैं एक जगह पे कि बार बार फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले लेंगे हम इस पर। तो यहाँ पे हमने अपने इदारे का नाम लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया एडमिशन आप यहाँ पे लिख लिया हमने सपोज ठीक है। तो हमने ये सारे कोर्सेज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए जो ये हमारे की पॉइंट्स पर होंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके तो ये हमने इसका एड्रेस लिख दिया, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट अप कर दी, ये चीज़ें हमने यहाँ पे सारा चढ़ा दी। अब इसको यहाँ पे सेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा कि बैकग्राउंड पे क्या चीज़ लगाएं। अब देखें बैकग्राउंड पे या तो कलर डाल सकते हैं या कोई इमेज लगा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की इमेज है तो वो हम डिज़ाइन में जाके यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ हम प्रोफाइल में चले जाएंगे और फिर यहाँ से क्लिक करके हम दोबारा से डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, एंड देन क्लिक करके यहाँ से हम लेटेस्ट के फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हों जो हम इसके ऊपर बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। पिक्चर्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इस तरह की एक पिक्चर को हम इसके बैकग्राउंड पे लगा देते हैं। लगाने के बाद इस पिक्चर को हमने थोड़ा सा फेड अप करना है, तो उसके लिए हमने एक और शेप इसके ऊपर ले लेना है और शेप को इस पिक्चर के ऑल टू ऑल पे इस तरह से लगा दे रहा है। अब इसमें अगर हम ब्लू कलर के साथ ही शेड करना चाह रहे हैं, जैसे ये ब्लू कलर है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करके शेप फिल में और यहाँ से फिर चले जाते हैं ग्रेडियंट्स पर और क्लिक करके यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और ग्रेडियंट्स में नहीं लगाते चलें, इसको स्केल पे रखते हैं। यहाँ से आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, तो यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये हल्का सा इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पीछे पिक्चर भी आ गई और आगे ब्लू कलर का ये भी आ गया। इसकी आउटलाइन भी यहाँ से जाके हम क्लिक करके यहाँ से नो आउटलाइन करके खत्म कर देते हैं। अब किस्सा हमारे सामने साफ है, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, मोर ऑप्शंस में चले जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके ब्राउज कर लेते हैं। और ब्राउज करने के बाद कहाँ पे सेव करना है क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके पावर पॉइंट यहाँ पर से जाके अब हम क्लिक करेंगे किस जगह पर, और यहाँ पर हमने अपना फोल्डर बना रखा है उसके अंदर चले गए और क्लास 04 के नाम से सेव कर दिया, मोबाइल 8 क्लिक करके इस पर ये लगा दिया। ठीक है, अब ये चीज़ इस तरह से हमारी नज़र आ रही है। अब हमें क्या करना है इसके ऊपर, हमने डिफरेंट चीज़ें इस पर अप्लाई करनी है, जैसे कि अब इदारे का नाम लिखना है और चीज़ों को डायरेक्ट डालना है। तो अब इसके ऊपर हम डायरेक्टली टेक्स्ट जो लिखेंगे वो ज़्यादा नुमाया नज़र आएगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं, सपोज भी इसमें हम इदारे का नाम लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिखा न्यू, और न्यू लिखकर
हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह नजर आए। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करते हैं, यहाँ से इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और अब चूंकि ये एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट है तो ये 3D टाइप का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक करने के लिए हम यहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से जाके इसको अल्जेरियन एरियल पर कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद भी ये थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा, हालांकि ऐसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। क्लियर फॉर्मेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर कोई भी फॉन्ट जो आप इस पर अप्लाई करेंगे वो आपको क्लियर नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पर न्यू लिखा और 18 के फॉन्ट में ले जाके इसको यहाँ पे उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है, या यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, उसके बाद क्लिक करके इसको यहाँ से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लिया, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर अगर ख़त्म नहीं हुआ इफेक्ट तो फिर इफेक्ट्स में जाके प्रीसेट्स में नो इफेक्ट करें, ये जो इफेक्ट लगा हुआ है ये इस पर लगा हुआ है बीवेल टाइप का इफेक्ट, इसको भी नो कर दें। फिर इस पर ग्लो इफेक्ट, इसको भी ख़त्म कर दें। अच्छा, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, शेप इफेक्ट टैक्स इफेक्ट्स यहाँ पर है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन का इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, बीवेल इफेक्ट ये ना हो गया, तो ये टैक्स थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो इसको भी यहाँ से जाके शेप फॉर्मेट में टैक्स इफेक्ट्स में बीवेल इफेक्ट यहाँ से नन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम टाइप कर लेते हैं इदारे का नाम अपना, तो सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए और यहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट्स के इंक्रीज करने से अब इसमें थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग के लिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा वेरी लूज कर देते हैं और सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। फॉन्ट्स के हवाले से कुछ और अगर बेहतर फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं तो उसमें से आप वो फॉन्ट ले सकते हैं, जैसे ये फॉन्ट सही है, इसके साथ साथ बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि ये इस तरह से नज़र आए, ठीक है। थोड़ा थिन है फॉन्ट, अगर मोटा फॉन्ट अगर इससे कुछ मिल जाए तो और बेहतर रहेगा, लेकिन ये भी थिन है, ये भी थिन है, ये देखिए कुछ बेहतर है, ठीक है। इस तरह से लेके हमने इसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ से उठा के इसको ऊपर करके यहाँ पे रख दिया, तो ये हमने लिख दिया। क्या क्लिक करके यहाँ से हमने इसको क्लिक करना है और फिर इस पर कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर रख के हमने इसको कुछ फॉन्ट के स्टाइल वगैरह थोड़े से अप्लाई कर दिए, जैसे ये वाला फॉन्ट ले लिया, स्पेसिंग को थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया, कॉलेज ऑफ साइंस, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लिया और उसको यहाँ से जाके थोड़ा सा छोटा कर दिया। उसके बाद क्लिक करके जो टेक्स्ट थोड़ा सा लूज कर लेते हैं इसका, ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा इसका लूज नज़र आए, तो क्लिक करके थोड़ा फॉन्ट साइज और कम करना पड़ेगा इसका, ओके। क्लिक करके यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर दिया और नीचे ही इसके सेट करके यहाँ पे ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से कंट्रोल डी और इसका एड्रेस वाली इंफॉर्मेशन जो है हमने उठा के यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से पॉट अप कर दी, ये देखिए हमने डाल दिया इस पर फॉन्ट को और इसको थोड़ा सा हमने फॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर दिया, 15 के फॉन्ट साइज पे चलेगा, तो ये देखिए इस तरह से इस पर ऐड हो गया। इसके बाद रह गया हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे हमारे ऊपर वाला हिस्सा फ्री है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी एंड देन फिर यहाँ से पकड़ के इसको पढ़ ले गए। यहाँ ले जाने के बाद हमने इसको यहाँ पे रखा, क्लिक करा इसको यहाँ पे और 03448343930 सेलेक्ट किया इसको यहाँ से, उसकी इंफॉर्मेशन का फॉन्ट साइज हमने यहाँ से बढ़ा दिया और फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सही लग रहा है ये फॉन्ट, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम कम करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, ये मच बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फॉन्ट का मामला भी सेट कर लिया, ठीक है। अब आती है बात कि यहाँ पर दिखाना है एडमिशन ओपन और दीगर चीज़ें, तो डायरेक्टली लिख के दिखाना है या फिर उसके इर्द गिर्द कुछ हो शेप में बनाना है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के शेप्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला शेप भी यूज़ किया जा सकता है और भी शेप्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नीचे आ जाए तो ये एडमिशन्स के लिए भी है,
क्लिक करेंगे इस पर तो ये शेप ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और ये शेप हमने यहाँ पे लगा दिया। शेप लगाने के बाद आप इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप जो लिखना है, सपोज तो भी यहाँ से आपने इसको ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं एडमिशन ओपन 2024। तो फिर यहाँ से हमने एक वर्ड आर्ट ले लिया और उसमें लिखा हमने एडमिशन 2024। लिखने के बाद क्लिक किया, यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इम्प्रूव साइज वर्जन में डालेंगे हम इसके, क्लिक करके इसका फॉन्ट जो यहाँ से वाइट करेंगे, फॉन्ट के कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइज को कम करेंगे और इसको उठा के इस पर हम फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा और कम करेंगे, 32 कर लेते हैं। ये देखिए इस पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब रेखे नीचे कोर्सेज की डिटेल्स देनी है हमें, जिसमें बताना है कि कोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज कहाँ पर हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर से अगर हमने कोर्सेज को ही बताना है प्रोसेस में, तो यहाँ पे लेके साइकिल्स आ गया और हायरार्की आ गया, रिलेशंस मैट्रिसेस, हाँ लिस्ट में सही वाला लिंक इसका ऐसा लगेगा, ये कुछ पैरामीटर टाइप का ऐसा लगेगा। थोड़ा सा हैंडलिंग में आपको इशू आएगा तो इसको थोड़ा देख के आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं कोर्सेज के बारे में। शिफ्ट एंटर करके मैंने ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया। शिफ्ट एंटर से इंटर करें तो ये दूसरे पे चला जाएगा, शिफ्ट इंटर करेंगे तो उसी में नीचे आ जाएगा। मार्केटिंग लेके मैं सेलेक्ट ऑल कर लिया, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा यहाँ से मच बेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, फॉर्मेट में चले गए, फॉन्ट। तो इस तरह से आपने कोर्सेज को डिफाइन कर देना। अब कोर्सेज भी डिफाइन हो गए तो उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम देखते हैं स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन पे हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन हैं। तो ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन भी हम लगा सकते हैं, थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा, इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन, ऐसा, यही ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा 3D हो जाएगा ऐसा लगा लेते हैं। तो ये चीज़ आप इस पर ईजिली परफॉर्म करके देख सकते हैं और ये ऐसे लगा देंगे। अब इसमें पीछे वाले डिज़ाइन पे अगर कोई कलर डालना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करके इसका शेप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से फॉर्मेट में जाएं, जैसे कि ये कलर लगा के देखते हैं, इस पर अलग से कंट्रास्ट इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ इस तरह से आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये हमारा बन गया एक कम्प्लीट एड जो नॉर्मली किसी मोबाइल पे लगाने के काम में आएगा, क्योंकि तो ऐड के ऊपर यही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कॉलेज का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, और जो भी मामला थे। तो हम उसमें यहाँ पे अपना नाम भी अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ उसमें, तो इंसर्ट में गए, हमने यहाँ पे क्लिक किया वर्ड आर्ट पे और यहाँ पे हमने किया यहाँ से क्लिक करके होम कर देते, फॉन्ट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज में डालेंगे इसके, कुछ बेहतर है, फॉन्ट को थोड़ा सा वाइट कर देते, साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, रोटेशंस लेंगे थोड़े से, थोड़ा सा फॉन्ट साइज और कम करेंगे,
पे क्लिक करके यहाँ पर आएंगे, इसके इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह का ग्लो इफेक्ट भी डाल सकते हैं जिससे थोड़ा सा टेक्स्ट आपका उभर जाएगा। और इसके ऊपर हम एक इफेक्ट लगा सकते हैं आउटलाइन का, लेकिन इससे पतला हो जाएगा ये फॉन्ट, थोड़ा मामला इतना खास नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि आपने ये चीज़ हमने इस तरह से कर ली। और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी वाइट कलर हमने यूज़ किया है। अगर हम चाहें टेक्स्ट पे कोई ऐसा कलर यूज़ करना के जो तो उस पर नुमाया हो, ये भी चल जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इस तरह के मामला जो है यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा ख्याल तो ये कि इसको भी येलो कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, ताकि ये चीज़ें अलग से हाईलाइट होगी। अच्छा, अब रही क्या अंदर वाला टेक्स्ट, तो इसको तो हमने काम किया नहीं, तो इसके टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाके यहाँ हमने भी फॉन्ट जो यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया है कैम्ब्रिया का, तो यहाँ से हम छोड़ो इसको फॉन्ट कैम्ब्रिया पे ही रहने देते हैं। यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करते हैं इसको, और यहाँ से रख के होम में बोल्ड करके शेड लगाते हैं और करेक्टर्स को लूज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा लूज़ नज़र आए। 32 पे इसको रख लेते हैं, सेम फॉर्मेट यहाँ से लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं, पर ये अंदर होने की वजह से अप्लाई नहीं हो सका। कोई बात नहीं, फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं, 32 पर रख लेते हैं इसको, और इसका भी लूज़ कर देते हैं उसको, ठीक है। और बस ये अगर बढ़ाना चाहें तो 36 छोटा हो जाएगा, 36 पर 36, ठीक है। और इसको भी यहाँ से लूज रख के ऐसे दिखा सकते हैं, सही लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ऑफिस ऑटोमेशन में सिर्फ इसको बोल्ड करने की ज़रूरत है और लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, ये इस तरीके से नज़र आएगा। इसमें थोड़ा मैनुअल स्पेस ऐड कर देंगे ऑफिस में ताकि ये इस तरह से नज़र आए और ये क्लियरली इस पर समझ में आ जाएगा, इस पर क्लिक करके। अच्छा, अब इसके अंदर भी थोड़ा सा एक अलग अलग बॉक्सेस पे अलग अलग शेड लगाने हैं, तो आप लगा सकते हैं फॉर्मेट में जाके यहाँ से एक इस तरह का बॉक्स लें, उस पर इफेक्ट में जाके ये इफेक्ट ऐड कर दें, ठीक है। इस पर क्लिक करके वाइट फॉन्ट जो है इसके ऊपर परफेक्ट सूट करेगा, ठीक है। तो क्लिक करके यहाँ पर इसके बॉक्स पे भी डबल क्लिक करें, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे क्लिक करें और उस पर एक ये ब्लू शेड लगाइए, और उसके बाद इफेक्ट्स पर जाके इसको यही वाला इफेक्ट इस पर डाल दीजिए और क्लिक करके इसको भी यहाँ से वाइट कर दीजिए, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में चाहिए, शेफल में चाहिए, इसको ये वाला इफेक्ट लगाइए और इसका भी इफेक्ट्स लेवल जो है सेम ही रखेंगे, और इसका भी जो फॉन्ट है वो ब्लैक में सही लग रहा है। एंड देन फिर इस पर क्लिक करके और फॉर्मेट में जाके यहाँ से एक और कलर लीजिए, जैसे ये भी चल जाएगा। इफेक्ट्स में जाके इसको यहाँ शेड पे क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करके इसको बोल्ड कर दीजिए, वाइट वाइट नहीं चलेगा, ब्लैक ही चलेगा ये, तो इसको ब्लैक कर लेते हैं दोबारा से, यहाँ क्लिक करके ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मामला से ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए किस तरह का एड हमने इस पर सिंपल सा बना लिया। अब आता है इसके ऊपर कि एनिमेशंस कैसे लगाई जाए। वैसे तो ये पिक्चर फॉर्म में, अगर हमें इसमें से निकालना है पिक्चर फॉर्म में, निकालने का तरीका ये, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज फाइल टाइप, यहाँ से हम लेंगे इसकी PNG या JPG फाइल जो हमें प्रोड्यूस करानी है। यहाँ से हमने PNG पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक किया, PNG फाइल का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ Class 03 मोबाइल ऐप, इसको पिक्चर्स में सेव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया यहाँ से पिक्चर्स के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक कर दिया ऑल स्लाइड या जस्ट दिस वन, मैंने कहा जस्ट दिस वन, क्लिक किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर, क्लिक किया पिक्चर्स में चले गए, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके पिक्चर्स का ऑप्शन मिल गया, तो नीचे आ गए पिक्चर्स में, तो यहाँ पे हमने इसको राइट बटन दबा के सॉर्ट बाय डेट पे रखा हुआ है ऑलरेडी, तो व्यू में जाके इस पर लार्ज आइकन पर क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पे अभी तक शायद प्रोड्यूस हुआ नहीं है उसमें से, हो तो गया यहाँ से, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे कोई आया, ये रहा, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से लग गया, सही ऐसा दिखाई देगा। अब अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर स्टेटस पे लगाने के लिए वो सिंपली आप इसको जो है यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे चले जाइए व्हाट्सएप पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे इजीली लोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर भेज दिया मैंने ब्लॉग्स पे, भेजना ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो जाएगा और आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा
ग्रेडियंट भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे इस वाले शेप में अगर आपको अंदर ग्रेडियंट्स देने हैं तो यहाँ से जाके ग्रेडियंट्स में बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, किस तरह का ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं, जैसे इस तरह का ग्रेडियंट, तो इस तरह का ग्रेडियंट भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आएगा अगला स्टेज, इसको एनिमेशन दे के वीडियो बनाने का और बैकग्राउंड पे म्यूजिक देने का। तो ये हम करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको एनिमेशन वगैरह दे दीजिएगा, एनिमेशन दे के इसको और खूबसूरत बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में हम इसमें एनिमेशन भी देंगे और इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगाएंगे, तो उससे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक वीडियो एड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सही है?